तो ही गाइस, अगर आप लोग गूगल पे में दोस्तों इस तरीके से आधार कार्ड से अपने बैंक का बैलेंस चेक करना चाहते हैं तो इस वीडियो में गाइस मैं आपको पूरा फुल प्रोसेस बताऊंगा कि गाइस कैसे आप लोग केवल आधार कार्ड से दोस्तों आप लोग अपने बैंक का बैलेंस चेक कर सकते हैं। अगर दोस्तों आपका कोई भी बैंक है तो गाइस आप लोग अपने गूगल पे में दोस्तों आप लोग अपना जो बैंक का बैलेंस है गाइस चेक कर सकते हैं, कोई भी दिक्कत कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। तो गाइस आप लोग इस वीडियो को लास्ट तक स्टेप बाय स्टेप वॉच करिएगा। और दोस्तों अगर आपके पास ATM डेबिट कार्ड नहीं है तो गाइस आप लोग आधार कार्ड से अपने बैंक का बैलेंस इजीली चेक कर सकते हैं और मोबाइल रिचार्ज वगैरह सब कुछ कर सकते हैं, पैसा भी ट्रांसफर कर सकते हैं किसी के पास, तो सब कुछ इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं। तो गाइस आप लोग वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आपको बताते हैं स्टेप बाय स्टेप कि गाइस कैसे आप लोग गूगल पे से केवल आधार कार्ड से अपने बैंक का बैलेंस चेक कर सकते हैं, कोई भी बैंक अकाउंट है आपका। सबसे पहले दोस्तों यहां से आपको क्या करना पड़ेगा, इस तरीके से मैं कट करके बैक चला जाता हूं। अब यहां पर दोस्तों मैं अपने गूगल पे को ओपन करता हूं। ओपन करने के बाद दोस्तों इस तरीके से हमारा गूगल पे ओपन हो जाएगा। अब यहां पर दोस्तों सबसे पहले आपको गूगल पे जो है बनाना पड़ेगा और यहां पर गाइस अपना बैंक ऐड करना पड़ेगा और आधार कार्ड से UPI पिन सेट करना पड़ेगा, तभी दोस्तों आप लोग जो है अपना इसमें मतलब बैंक का बैलेंस चेक कर पाए। सब कुछ आपको स्टेप बाय स्टेप इसमें शुरू से लेकर लास्ट तक आपको स्टेप बाय स्टेप बताते हैं। अब सबसे पहले दोस्तों आपको क्या करना पड़ेगा, दोस्तों आपको प्ले स्टोर पर जाना है या फिर दोस्तों इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको गूगल पे का लिंक मिल जाएगा। अब जाके सबसे पहले वहां से डाउनलोड कर लिएगा। दोस्तों आप लोग पहले से डाउनलोड नहीं किए हैं, अगर दोस्तों आप लोग पहले से डाउनलोड कर लिए तो गाइस आप लोग सबसे पहले प्ले स्टोर पर आएंगे। यहां पर गाइस आप लोग अपडेट कर लीजिएगा अपने गूगल पे को। उसके बाद दोस्तों आपको अपने गूगल पे को इस तरीके से ओपन करना पड़ेगा। जैसे कि आप लोग इस तरीके से गूगल पे को ओपन करेंगे यहां पर इस तरीके से कुछ परमिशन आएगा, परमिशन को आपको एक एक करके अलाउ कर देना। अलाउ करने के बाद दोस्तों यहां पर आपको अपना मोबाइल नंबर एंटर करना है जिस मोबाइल नंबर से दोस्तों आप लोग बनाना चाहते हैं। उसके बाद दोस्तों यहां पर आपको नीचे कंटिन्यू का एक बटन दिएगा, आपको इस पर क्लिक करना और यहां पर आपको जीमेल आईडी सेलेक्ट करने के लिए दिएगा कि गाइस आप लोग किस जीमेल आईडी से बनाना चाहते हैं। तो यहां पर गाइस मैं जीमेल मतलब मेरा जो जीमेल आईडी है दोस्तों यहां पर ऑटोमेटिकली सेलेक्ट हो गया है। आप नीचे एक्सेप्ट एंड कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे, उसके बाद दोस्तों इस तरीके से वेरीफाई होगा। वेरीफाई होने के बाद दोस्तों यहां पर आप लोग गूगल पे दोस्तों लॉग इन हो जाएंगे। और यहां पर गाइस जब आप लोग इस तरीके से गूगल पे में लॉग इन हो जाएंगे वेरीफाई कंप्लीट होने के बाद दोस्तों यहां पर आप लोग जब इस तरीके से आ जाएंगे तो आपको दोस्तों यहां पर एक ऑप्शन मिलेगा ऐड बैंक अकाउंट का। दोस्तों अगर आपको ऑप्शन यहां पर नहीं मिल रहा है तो सबसे पहले दोस्तों आपको यहां पर क्या करना पड़ेगा, इस तरीके से प्रोफाइल वाले आइकन पे क्लिक करना पड़ेगा और उसके बाद आपको थ्री डॉट पे क्लिक करना है और यहां पर रेफरल कोड का ऑप्शन मिलेगा, आपको इस पर क्लिक करना है। जैसे कि आप लोग इस पर क्लिक करेंगे और यहां पर आपको यहां पर स्क्रीन पर एक रेफरल कोड मिलेगा, आपको इस रेफरल कोड को दोस्तों यहां पर डाल के गए सबमिट कर देना है। आपको जैसे कि आप लोग यहां पर डाल के गए आप लोग सबमिट कर देंगे, अप्लाई कर देंगे, उसके बाद दोस्तों आपको यहां से बैक कर देना है। अब यहां पर दोस्तों बैक आने के बाद दोस्तों आपको यहां पर क्या करना है, कोने में फिर से प्रोफाइल वाले आइकन पर क्लिक करना है। उसके बाद दोस्तों यहां पर आपको सेंड मनी का ऑप्शन दिखेगा, आपको इस पर क्लिक करना है। अब दोस्तों जैसे आप लोग इस पर क्लिक कर देंगे तो यहां पर आपका बहुत सारे बैंकों का जो लिस्ट है आपको शो हो जाएगा। तो दोस्तों आपका जो भी बैंक रहेगा आप लोग यहां से अपना बैंक सर्च कर लीजिएगा। अगर दोस्तों आपको नहीं मिलेगा नीचे बैंक तो गाइस आप लोग यहां पे ऊपर सर्च वाला आइकन पे क्लिक करके अपना बैंक सर्च कर सकते हैं, दोस्तों कोई दिक्कत नहीं है। अब यहां पर दोस्तों मेरा यहां पर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया दिख रहा है तो हम इस पर क्लिक करेंगे अपने बैंक पर। इसमें ही गाइस मेरा अकाउंट है और इसी मोबाइल नंबर से गाइस आपका बैंक अकाउंट रजिस्टर होना चाहिए, लिंक होना चाहिए। उसके बाद दोस्तों आपको नीचे कंटिन्यू वाला बटन पर क्लिक करना है, उसके बाद यहां पर फाइंडिंग बैंक अकाउंट होगा। फाइंडिंग बैंक अकाउंट होने के बाद दोस्तों यहां पर आपका जो इस तरह का इंटरफेस आएगा और आपका बैंक जो है सक्सेसफुली इसमें ऐड हो जाएगा। जब दोस्तों आपका सक्सेसफुली इसमें बैंक ऐड हो जाएगा तो गाइस आपको यहां पर क्या करना पड़ेगा, आपको यहां से अपने गूगल पे को दोस्तों कट करके इस तरीके से बैक आ जाना होम स्क्रीन पर। जैसे गाइस आप लोग पूरा बैक आ जाएंगे, अब दोस्तों आपको क्या करना पड़ेगा, फिर से गाइस कोने में प्रोफाइल वाले आइकन पे क्लिक करना पड़ेगा और यहां पर जो पहले सेंड मनी का ऑप्शन दिख रहा था अब यहां पर गाइस इस तरीके से कन्वर्ट हो गया गाइस यहां पर बैंक अकाउंट के ऑप्शन में। आपको इस पर क्लिक करना दोस्तों और आपका जो भी बैंक यहां पर ऐड रहेगा दोस्तों यहां पर शो हो जाएगा। जैसे गाइस आप लोग देखते हैं मेरा यहां पर इस तरीके से स्टेट बैंक ऑफ इंडिया यहां पर पहले से ऐड हो गया है। अब दोस्तों अगर आपका कोई और बैंक है तो गाइस आप लोग नीचे ऐड बैंक अकाउंट वाले ऑप्शन पे क्लिक करके अपना वो भी बैंक ऐड कर सकते हैं। तो गाइस हम यहां पर दूसरा कोई भी बैंक नहीं ऐड करने वाले हैं, इसी बैंक का आधार कार्ड से जो बैंक का बैलेंस है चेक करके दिखाने वाले हैं। तो दोस्तों आपको क्या करना पड़ेगा, यहां पर अपने बैंक पर क्लिक करना पड़ेगा। जैसे कि आप लोग अपने बैंक पर क्लिक करेंगे उसके बाद दोस्तों नीचे आएंगे एक ऑप्शन मिलेगा फॉरगेट UPI पिन का, सिंपली से आपको इस पर क्लिक कर देना है। जैसे कि आप लोग इस पर क्लिक करेंगे इस तरह का इंटरफेस आएगा, वेरीफाई योर बैंक अकाउंट। उसके बाद दोस्तों यहां पर आपको सबसे ऊपर इंटरफेस आएगा यहां पर डेबिट ATM कार्ड का और नीचे आधार कार्ड का। दोस्तों अगर आप लोग ATM डेबिट कार्ड से करना चाहते हैं तो आप ऊपर वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, अगर आप लोग आधार कार्ड से अपने बैंक का बैलेंस चेक करना चाहते हैं तो आप आधार कार्ड वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। उसके बाद दोस्तों यहां पर कंटिन्यू करेंगे, कंटिन्यू करने के बाद दोस्तों यहां पर आपके आधार कार्ड का शुरू का छैंक मांगा जाएगा। तो दोस्तों आप लोग अपने आधार कार्ड का जो भी शुरू का छैंक होगा आप लोग डाल दीजिए। चलो दोस्तों मैं अपने आधार कार्ड का शुरू का छैंक यहां पर डाल दे रहा हूं। तो यहां पर गाइस मैं अपने आधार कार्ड का शुरू का छैंक डाल दिया हूं। डालने के बाद दोस्तों आपको नीचे एरो वाले बटन पे क्लिक करना पड़ेगा। एरो वाले बटन पे जैसे क्लिक करेंगे उसके बाद दोस्तों इस तरह का इंटरफेस आएगा, आपके यहां पर आधार कार्ड की तरफ से एक OTP आएगा, OTP ऑटोमेटिकली फिल हो जाएगा। उसके बाद आपको ओके कर देना है। फिर से आएगा दोस्तों यहां पर बैंक OTP, पहले दोस्तों आधार OTP आएगा तो आधार OTP ऑटोमेटिकली पड़ जाता है और कभी कभी दोस्तों नहीं पड़ता तो आपको देख करके डालना पड़ेगा। पहले आधार OTP मेरा पड़ गया दोस्तों, मैं ओके पर क्लिक कर दिया हूं। फिर दोस्तों यहां पर आएगा इंटर 6 डिजिट बैंक OTP, तो सबसे पहले आधार OTP फिर बैंक OTP यहां पर फिल कर देना। चलिए दोस्तों
मैं बैंक ओटीपी यहाँ पर डाल दे रहा हूँ। यहाँ पर कैसे देखते हैं बैंक ओटीपी आ गया तो हम यहाँ पर डाल दे रहे हैं। तो यहाँ पर कैसे हमने बैंक ओटीपी डाल दिया, डालने के बाद दोस्तों नीचे इस तरीके से ओके वाले बटन पे क्लिक करेंगे। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर इंटरफेस आएगा सेट 6 डिजिट यूपीआई पिन। तो कैसे आपको यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, अपना 6 अंक का एक यूपीआई पिन अपने हिसाब से कोई भी सिलेक्ट कर लेना दोस्तों। आप लोग इसी यूपीआई पिन से जो है अपने बैंक का बैलेंस चेक कर पाएंगे, किसी के पास पैसा भी ट्रांसफर कर पाएंगे, मोबाइल रिचार्ज वगैरह सब कुछ कर पाएंगे। यानी कि दोस्तों ये मान के चलिए कि गाइस आपका एक स्ट्रॉन्ग पासवर्ड है, आप लोग इसी से अपना बैंक का बैलेंस चेक कर पाएंगे। कोई भी गाइस अगर आपका ये यूपीआई पिन जो है अगर जान जाता है तो आपका बैंक का बैलेंस चेक कर पाएगा। तो यहाँ पर आपको क्या करना पड़ेगा कि यूपीआई पिन स्ट्रॉन्ग यूपीआई पिन अपने हिसाब से यहाँ पर कोई भी बना लेना है, उसके बाद ओके कर देना। फिर से आएगा दोस्तों कंफर्म करने के लिए, तो फिर से आपको सेम वही यूपीआई पिन डाल के यहाँ पर आपको इस तरीके से कंफर्म कर देना है। बहुत सारे बैंकों में 4 अंक आता है, बहुत सारे बैंकों में 6 अंक आता है। यहाँ पर देख से हमारा यूपीआई पिन चेक मतलब यहाँ पर सेट हो गया। सेट होने के बाद दोस्तों आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ से आपको पूरा गूगल पे को कट करके बैक चले जाना होम स्क्रीन पर। होम स्क्रीन पर आने के बाद दोस्तों आपको यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, एक ऑप्शन मिलेगा यहाँ पर स्कैन एनी इस तरीके से क्यूआर कोड का, यहाँ पर इस तरीके से पे कॉन्टैक्ट का, पे फोन नंबर का, और यहाँ पर बैंक ट्रांसफर का, पे यूपीआई आईडी नंबर का, और यहाँ पर सेल्फ ट्रांसफर का, बिल पेमेंट का, मोबाइल रिचार्ज का। आप लोग यहाँ से सब कुछ कर सकते हैं दोस्तों, बहुत सारे ऑप्शन यहाँ पर आपको मिल जाएंगे। मोबाइल रिचार्ज वगैरह सब कुछ कर सकते हैं, पैसा भी भेज सकते हैं, किसी दुकान पर क्यूआर कोड से भी पैसा भेज सकते हैं। अब गाइस आप लोग नीचे आएंगे तो यहाँ पर मैं आपको लाइव प्रूफ चेक बैंक बैलेंस करके दिखा दे रहा हूँ। यहाँ पर चेक बैंक बैलेंस पे क्लिक करता हूँ और यहाँ पर डायरेक्टली यूपीआई पिन डालने के लिए दिया जाएगा। तो आप लोग अपना जो यूपीआई पिन जो बना है 6 अंक का उसको डाल के यहाँ पर ओके करेंगे तो आपके बैंक में जितना भी पैसा रहेगा यहाँ पर सक्सेसफुली शो हो जाएगा। और दोस्तों बहुत लोग कंफ्यूज हो गएंगे कि गाइस मैं शुरू में जो है दूसरे बैंक का मतलब बैंक बैलेंस चेक करके दिखाया था तो वहाँ पर ज़्यादा बैलेंस दिखा रहा था, तो आप लोग सोचेंगे फ्रॉड वीडियो है, तो गाइस ये कोई फेक वीडियो नहीं है, आप लोग इस तरीके से कर सकते हैं। और वो जो गाइस बैंक था मेरे यूनियन बैंक ऑफ इंडिया था और ये SBI बैंक है दोस्तों। तो आई होप आपको समझ में आ गया हो कि गाइस कैसे आप लोग आधार कार्ड से अपने बैंक का बैलेंस चेक कर सकते हैं, कोई भी दिक्कत कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। और दोस्तों बहुत सारे लोगों का यूपीआई पिन सेट नहीं होता है, बैंक ऐड नहीं होता है, तो उनका गाइस मैं बता देता हूँ कि गाइस आपका मोबाइल नंबर वगैरह सब कुछ एक ही सेम होना चाहिए और आपके आधार कार्ड में भी गाइस वही मोबाइल नंबर सेम होना चाहिए और आपके जो बैंक में दिए होंगे आधार कार्ड वही मोबाइल नंबर वगैरह सब कुछ सेम होना चाहिए मतलब तीनों में, तभी दोस्तों आप लोग अपने बैंक का बैलेंस वगैरह चेक कर पाएंगे आधार कार्ड से वो भी गूगल पे में। चलिए दोस्तों मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद जय भारत। आई होप आपको वीडियो पसंद आएगा, वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक करना दोस्तों, और आप लोग हमारे चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। चलिए दोस्तों मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद जय भारत।